अच्छा बताओ क्या करूं? देखो अब तो उसने तुम्हारे पेरेंट्स से भी मिल लिया और तुमने भी कोशिश कर ली, ठीक है? नाउ यू जस्ट रिलैक्स, ठीक है ना? वक्त सब बदल देता है यार। मैंने और सबा ने पार्टी प्लान की है, तुम लोग एक दूसरे के साथ थोड़ा वक्त गुजारोगे, सब गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। चलो कब है रिसेप्शन प्लान्ड? कल। क्या कल? जी कल। टेंशन ना ले, जस्ट सिर्फ तैयारी पकड़, रिलैक्स। ओके चला। बस करो ना रबिया, तुम लोगों की दुआओं से अब हो रही है ना उसकी शादी। बल्कि रहमान भाई, मैं तो ये कहूंगा कि आप भी अपने बेटे के पास चले जाएं। यहाँ पर अकेला। अकेले कहाँ हैं हम भाई साहब? हम जहाँ भी हैं बहुत खुश हैं। भाई साहब, औलाद से अलग होकर भला कौन खुश रह सकता है? आप अपनी बेटी की रुखसती कर रही हैं तो आप खुश हैं ना? सब चले जाते हैं आजकल, तो बेटे भी रुखसत होते हैं। आप बस खुशी खुशी ईशल को रुखसत कर दें, हमारी दुआएं उसके साथ हमेशा रहेंगी। बस आप लोगों की दुआएं चाहिए। बच्ची के सर पर हाथ रखकर उसे रुखसत करना है आपने। जिस बच्ची को सारी जिंदगी में यही सोचती रही कि वो बहू बन के मेरे घर आएगी, सच पूछो कुत्सिया, मेरी हिम्मत नहीं है, मैं उसका सामना नहीं कर सकती। उस बच्ची का कैसे सामना करूंगा मैं, जिसको सारी जिंदगी मैंने शाहबेज की दुल्हन के रूप में देखा है। बहुत मुश्किल होगा, एक छोटी बात नहीं है। क्या हालत होगी उसकी? रहमान भाई, मेरी बच्ची बहुत समझदार है, उसे तो खुद हमें तसल्लियां दी हैं। पर एक बात अच्छी तरह याद रखिए, आपके बगैर मैं उसे रुखसत हरगिज हरगिज नहीं करूंगा। सिंह भाई, कैसी बातें कर रहे हो? ऐसी बातें मुंह से मत निकाले। अरे नेक काम होने जा रहा है, दुआओं के साथ रुखसत कीजिए ना उसे। लेकिन नहीं कुछ सी, हमें मजबूर मत, हम वाकई उसे मुंह दिखाने के काबिल नहीं है।